मन्नत क्यों मन्नत क्यों करती हो तुम ये सब? अगर चाकू फेर जाता तो तुम्हारे स्कूल के साथ मेरा 1 करोड़ रुपया भी बह जाता, समझी? अरे कुछ तो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो, जैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे आने वाले दिनों के बारे में। तुम ही एक लास्ट पीस हो। अरे मैं और सुभान तुम्हें वो सब नहीं दे पाएंगे जो शेख देगा तुम्हें। तुम्हारी किस्मत पलटने वाली मन्नत। मुझे ना तुम अभी से रोल्स रॉयस में घूमती हुई नजर आ रही हो। मैं इंसान नहीं हूं, तुम हैवान हो। ये नातिया मुझे खुद पे जो तुमसे प्यार किया मैंने, और शैतान मरे होंगे ना तब तुम पैदा हुए होंगे। एग्जैक्टली सेम उसे मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है, मगर एक ही रहते मैं उसे सीधा कर देता हूँ, समझी? मगर मैं तुझे नहीं मारूंगा। और ये क्या लगा रखा है तूने कि मैं तुझसे प्यार करती थी? सिर्फ तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, मैंने भी तुमसे प्यार किया था ताकि मैं तुझे बेच सकूं। कभी कभी ना मुझे तुम पे तरस भी आता है। अगर मामला करोड़ रुपए का नहीं होता ना तो मैं तुझे बेचता नहीं, ऐसा शादी करता, तुझे अपने बच्चे की माँ बनाता जैसे जोया को बनाया था। मगर क्या करूं, लालच बुरी बला है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ को तो। क्या पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, पर पेट से हाथ का क्या कनेक्शन? ज्यादा होशियारी नहीं मदद। हाँ ज्यादा होशियारी नहीं। देखो अगर पेट में दर्द हो रही है इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। इब्बू सही कहती थी, मम्मी सही कहती थी, पता नहीं कैसे मैंने इस जानवर पर भरोसा कर लिया। मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प अल्लाह मियां, प्लीज। कायनात ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मैं भी आप सबको अपना एक इरादा बताना चाहती हूँ। कैसा इरादा दुआ? अम्मी मेरी नासाज तबीयत से तो आप सब वाकिफ हैं, मेरा दिल दिमाग थक चुका है। मैं अब इस कारोबार का बोझ नहीं संभाल सकती। अब वक्त आ गया है कि दुआ हैदर डिजाइंस का पूरा कारोबार इस खानदान की अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाए। ताकि मैं जिस दिन का इंतजार था आखिर वो दिन आ जाए क्या? बड़ी अम्मी सारा कारोबार मेरे नाम करने वाली है। मैं चाहती हूं कि ये घर, कारोबार और सारी जायदाद सुभान के नाम पर हो जाए। बेवकूफ दुआ बेगम, एक शादी के लिए सब कुछ मेरे बेटे के नाम करने चली है। अच्छा है, बस एक बार मेरे बेटे को सब कुछ मिल जाए उसके बाद ये शादी कैसे रोकनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रुको कायना, तुमने मांगा भी तो क्या, चंद पैसों की प्रॉपर्टी?
अरे मैं तो दूसरे बच्चों के हक के बारे में सोचकर चुप थी, वरना ऐसी हजार प्रॉपर्टीज मैं अपनी बेटी के सर पर वार कर सदके में दे देती, और घर की खुशियों के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूं। तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या चीज? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तो मान गई, अब क्या करूं मैं? एक बार फिर सोच लीजिए। जब बात घर की खुशियों की हो ना कायनात, तो मैं सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ। सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। हाँ सुभान, मैं चाहती हूँ कि आज से ये घर, घर की हर चीज, हमारे सारे शोरूम, सब कुछ, पूरा कारोबार तुम्हारा होगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सुभान इसका अकेला हकदार नहीं होगा। इसमें बराबर की हकदार होगी इबादत। इसे ही तो कहते हैं ना शरीके हयात। दुआ तुम फिर से अपनी चाल चल गई, सब कुछ मेरे बेटे के नाम तो कर दिया, मगर बीच में इस इबादत का नाम भी डाल दिया। ये कैसे भी करके इस फोन तक पहुंचना होगा, मेरा बाहर निकलने का बस अब एक ही जरिया। Boom. 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 Boom.